हाँ इस तो डाडा दुख ना कोई। ये जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं ये मुझे कॉल करके बुलवा लेते हैं कि सर प्लीज कोई आए चले, कोई माहौल भी बन जाएगा और कोई सॉन्ग भी सुन लेंगे आपसे। यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। अफसोस की बात ये है कि कोई ऐसा मुल्की सतह पे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये जाके परफॉर्मेंस दिखाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। इस वक्त एक चाय के ढाबे पर मौजूद हूं जहां पर एक नौजवान की सुरीली आवाज़ ने जो है वो सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है और यहां पर जो है बैठ के उससे जो है गाने सुन रहे हैं। हम भी उनके जानते हैं, उनसे बात करते हैं और नौजवान जो है सात के बाद का है, इसी तरह इकट्ठे होते हैं, गाना शाना गाते हैं। किसी का यार ना बिछड़े वसीम हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहोगे, कौन सा गाना हमें सुनाओगे? और बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, सब दोस्तों ने इकट्ठा किया हुआ है। सर पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए ये टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। हाँ इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। नागन वांगू डंग दिया राता, पतझड़ लग दिया ने बरसाता, तेरा जे वर्गे इश्क दे रोगी, कन पड़वा के बन गए जोगी। दुनिया बिछड़े नहीं परवा, पर यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। क्या बात है यार, क्या बात है, बड़े ही जबरदस्त आवाज में किसे दा यार ना बिछड़े। कितना अर्था हो गया गाते हुए और ये कैसे शौक पैदा हुआ गाने का? अपने दोस्तों को सुना रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, चाय भी साथ साथ में जो है चल रहे हैं, होटल पे बैठे हुए हैं, कैसे शौक पैदा होता है? दोस्त आपको सुनने आ जाते हैं, खुद बुला लेते हैं, क्या चक्कर है? सर मुझे कम से कम इससे 25 साल हो गए, मतलब मैंने ये परफॉर्मेंस शुरू की हुई है। तो ये जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं ये मुझे कॉल करके बुलवा लेते हैं कि सर प्लीज़ कोई आए चले, कोई माहौल भी बन जाएगा और कोई सॉन्ग भी सुन लेंगे आपसे। अच्छा, तो ये दोस्त आपको सुनते हैं, बैठते हैं, गाना गाते हैं, और कौन कौन से गाने आते हैं? हमें कोई एक आधा और गाना सुनाएं, नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनके नाम कोई पैगाम दें अच्छा सा, और एक खूबसूरत सा गाना उनके नाम जो है वो कर दें। ये जितने भी मेरे सुनने वाले या जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, मैं उनको एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप मुझे सुने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मैडम नूरजहाँ, ग़ुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जितने भी फ़नकार हैं सबके मैं सॉन्ग गा लेता हूँ। तो मैं एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब के कॉर्ड आपको सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। खंजर है तेरी आँखें, तलवार तेरी आँखें, खंजर है तेरी आँखें, तलवार तेरी आँखें, जिंदा न रहने देंगी ये यार तेरी आँखें, जिंदा न रहने देंगी ये यार तेरी आँखें। चेहरे पे तो गुस्सा है, आँखों में है वीरानी, चेहरे पे तो गुस्सा है, आँखों में है वीरानी, करती है तेरे दिल से इकरार तेरी आँखें, जिंदा न रहने देंगी ए यार तेरी आँखें, तेरी आँखें, तेरी आँखें, तेरी आँखें, तेरी आँखें, खंजर है तेरी आँखें। क्या बात यार, क्या बात है, जबरदस्त। खंजर है तेरी आँखें। और कौन कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनके आप जो है वो बिल्कुल उनकी आवाज़ में जो है वो गाना गा लेते हो और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सुरूर मिलता है? कौन सा ऐसा आपको पसंदीदा गाना है जो सबको सुनाते भी हो, गुनगुनाते भी रहते हो? सर एक गज़ल है वो बड़ी मशहूर मरूफ है, बड़ी फेमस है गज़ल, मैं अक्सर वो गुनगुनाता रहता हूँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने,
ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद थोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद थोड़ा है किसी ने। क्या बात है जी, बहुत अच्छी आवाज़ है जी। उनके दोस्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वसीम के, इशफाक भाई क्या कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी आवाज़ और यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं सबको और गाने सुनते रहते हैं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, आप ये देखें कि इतनी अच्छी आवाज़ है हमारे इस इलाके के फनकार की। तो अफसोस की बात यह है कि कोई ऐसा मुल्की सतह पे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये जाके परफॉर्मेंस दिखाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि ये मुल्क का पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त बात की। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं जो वसीम को सुनने के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छा गुनगुनाता है, बहुत अच्छा गाता है। अगर इनकी सपोर्ट की जाए हकूमती सतह पे जो है वो माजिद की अगर सपोर्ट की जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। माजिद आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप जो है हम इख्तितामी वीडियो बनाएंगे, इख्तिताम पे जो है हमें क्या ऐसा सुनाओगे जो है वो हमारे चैनल के नाम भी, हमारे न्यू डिजिटल के नाम भी और तमाम दोस्तों के नाम भी वो गाना जो है वो डेडिकेट हो। सर एक है नुसरत फतेह अली खान और मैडम नूरजहां का, मैं आपको वो सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। बिल्कुल, तो सॉन्ग है, हाँ तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लावा तेरा ना मेरे सजन, किथे जावा आवे ना किथे मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। क्या बात माजिद भाई, ये बताएं कि वो जो सुर और ताल होता है और वो जो सारे गम होता है वो उसमें भी आपको कोई बुर हासिल है? जी जी बिल्कुल है। वो भी यार सुना दो ना फिर। ये दुरुस्त के ऐब है मैं कशी, सारे मदानी दा निरे गमर सा, सारे नि सारे दानी निरे मदानी दा मदानी रे सा। ये दुरुस्त के ऐब है मैं कशी, ये बजा के बाद आराम है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। माजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, अगर इन जैसे लोकल फनकारों को जो है वो सपोर्ट किया जाए, इनको आगे लेके आया जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो है वो छुपा पड़ा है, उनको जो है वो सिर्फ़ ज़रूरत है प्रमोट करने की, इनको सपोर्ट करने की। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।